नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। की नोट्स इन होम्योपैथी का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसके पार्ट सिक्स में आज हम डिस्कशन करेंगे कैल्शियम डेफिशिएंसी और विटामिन डी के डेफिशिएंसीज के लिए कौन सी मेडिसिन बढ़िया रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी। कैल्शियम डेफिशिएंसी तभी होता है जब आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम या तो जाता नहीं है या जाने के बाद भी वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, सेल में प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाता। विटामिन डी के कमी के कारण भी कैल्शियम ऑब्जर्व नहीं होता, तो विटामिन डी और कैल्शियम दोनों में परिपूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है आपस में। दोनों का क्वांटिटी सेम रहना चाहिए, बॉडी में डेफिशिएंसी एक का हो तो दूसरों का कोई प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले जब हम कैल्शियम की बात करते हैं, आपको कैल्शियम वाला फूड खाना है प्रॉपर तरीके से, और उसका डाइट आपको गूगल में मिल जाएगा, फूड्स हैविंग रिच इन कैल्शियम, आप क्लिक करना उसमें, बहुत सारा फूड आएगा, आप उसमें ले सकते हैं। रही बात अगर आप कैल्शियम सही तरीके से ले रहे हैं लेकिन वो अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए एक कोर्स मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा, बायोकेमिक फॉर्म में भी आता है कैल्क्रिया फॉस, उसका 6x आप ले सकते हैं, 4 टैबलेट दिन में 2 बार कंटिन्यू कर सकते हैं, 2-3-4 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैल्क्रिया कार्ब 200 का एक एक डोज मंथली आपको लेना है, चाहे आपके अंदर सिम्टम्स हो ना हो, लेकिन अगर कैल्शियम ठीक तरह से ऑब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, डेफिशिएंसीज रहती है, कैल्क्रिया कार 200 का एक एक डोज महीने में 3 महीने आपको लेना है। मतलब 1 तारीख को आप लेते हैं, इस महीने जनवरी को लिया है तो फरवरी को मार्च को 1 तारीख को ही आपको लेना है, सेम डेट को 3 महीने लेना है, फिर नेक्स्ट 4th महीने से आपको उसका 1 mg का एक सिंगल डोज लेना है। तो ये 2 महीने आपको करना है 1 mg का 2 डोज, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने आपने ले लिया 200 का एक एक डोज, फिर आपको अप्रैल और मई ये 2 महीने 1 mg का एक एक डोज करके लेना है, एक एक डोज सिंगल डोज, मतलब एक ही बार आपको लेना है, उसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और 200 और 1 mg डोज सेम रहेगा, 2 से 3 बूंद रहेगा, आप उसको डायरेक्टली जीप में भी ले सकते हैं, 1 चम्मच पानी में भी ले सकते हैं। तो ये 5 महीने कंटिन्यू चलेगा, 3 महीने 200 का, 2 महीने 1 mg का। तो ये 200 और 1 mg जिस दिन आपको लेना है उस दिन कैल्क्रिया फॉर 6x आपको नहीं लेना है, बाकी के दिन आप कैल्क्रिया फॉर 6x 4 टैबलेट दिन में 2 बार जैसे ले रहे हैं ले सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ लीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। तो ये थोड़ी कैल्शियम डेफिशिएंसी की बात। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का सबसे हाईएस्ट सोर्स होता है सनरेस, सूर्य की किरणों में अगर आप डेली टहलते हैं, सुबह के जो नरम धूप में अगर आप सेकते हैं खुद को, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी बिल्कुल नहीं रहेगी आपके अंदर, और भरपूर आपके स्किन में वो सिंथेसिस होगा, क्योंकि सूरज की किरणों में जो अल्ट्रावायलेट रे होता है वो नरम किरणें सुबह के वक्त जब आपके स्किन में पड़ता है तो स्किन में आपका विटामिन डी तैयार हो जाता है। लेकिन आजकल के लॉकडाउन के चक्कर में जो लोग आपके घर में बंद पड़े हुए हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, धूप में जाकर टहलिए और थोड़ा धूप का मजा लीजिए सुबह का, वो डेफिशिएंसी आपकी दूर हो जाएगी। जो फूड की बात करते हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में फूड में आपको विटामिन डी मिलेगा, जैसे कि कुछ मछलियों में, दूध में, सोयाबीन में, ऐसे कुछ कम खाद्य पदार्थ है जिनमें विटामिन डी की मात्रा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको सूर्य की किरणों में मिलेगी। तो ये दोनों डेफिशिएंसी कैल्शियम और विटामिन डी के लिए अगर आप प्रॉपर तरीके से खाना खाते हैं तो उसको कंटिन्यू करिए, और उसको ऑब्जर्व करने के लिए होम्योपैथी मेडिसिन का सेवन करिए, और विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए आपको सूर्य की किरणों में सेकना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, और इस सीरीज़ में आने वाले दिनों में और भी बहुत ही बेहतरीन की नोट टिप्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको हेल्दी रख सके। तो देखते रहिए, और वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स अ लॉट, नमस्कार।